सो यो व्हाट्सएप यूट्यूब हीरोइक हियर। तो गाइस अगर मैं आपको एक ऐसे वर्ल्ड में छोड़ दूं जहाँ पे सिर्फ डेजर्ट हो तो आप लोग कैसे सरवाइव करेंगे? मैंने उस वर्ल्ड में 50 डेज सरवाइव करे। तो गाइस अगर आप भी मेरे 50 डेज की जर्नी देखना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। गाइस मैंने इस वीडियो के लिए 3 गोल सेट करे हैं। नंबर 1 फुल एंचेंटेड डायमंड आर्मर, नंबर 2 एक प्यारा सा घर, नंबर 3 एंडर ड्रैगन खत्म। तो गाइस फाइनली हम लोग स्पॉन हो चुके हैं अपने हार्डकोर वर्ल्ड में। तो गाइस इस हार्डकोर वर्ल्ड में अभी मेरे पास सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेड़ तोड़ते हैं कोई भी वर्ल्ड में जाते हैं। तो गाइस अभी मेरे पास कोई भी पेड़ नहीं है क्योंकि डेजर्ट में कोई भी पेड़ नहीं होते। अभी सिर्फ जो है मुझे इन लकड़ियों से काम चढ़ाना पड़ेगा, जो ये लकड़ियाँ हैं ना इन लकड़ियों से। और अभी मुझे कुछ भी बनाना है तो मुझे क्राफ्टिंग टेबल चाहिए होगी, विलेज भी ढूंढना पड़ेगा। तो मैं विलेज ढूंढता हूँ, वैसे भी डेजर्ट में विलेज ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होता, आसानी से मिल जाता है यहाँ पे। तो अभी हम लोग चलते हैं, पहले सबसे पहले विलेज ढूंढते हैं। तो गाइस मैं अभी इतनी देर से चल रहा हूँ और अभी अभी देखो मुझे सामने कुछ हेबेल दिखे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे विलेज है। और गाइस मुझे एक ब्लैक स्मिथ का घर भी दिख चुका है वहाँ पे, तो मैं चलता हूँ। और मेरा हंगर बार देखो गाइस, वैसे ही हार्ड मोड में, लेकिन ये मुझे अबैंडेंड विलेज लग रहा है। हाँ गाइस ये अबैंडेंड विलेज है, देखो इस पे जो है वो लगे मैं खैर, लेकिन मुझे यहाँ से आयरन गोलम मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। हम लोग सबसे पहले जाके जो है ना इस पे लूट करते हैं, आयरन वायरन चाहिए वो नहीं मिलेगा हमें आज। हाँ ये हो सकता है ब्लैक स्मिथ के घर पे हमें जो है ना एक आयरन की पिकैक्स मिल जाए, लेकिन मुश्किल है। यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक करता हूँ। ओ गाइस इसमें तो एक मिनट, यहाँ पे जॉम्बी विलेजर आ रहा है, पहले इसको मारना पड़ेगा। तो गाइस मैंने इसको मार दिया और गाइस इसके अंदर 3 डायमंड पड़े हुए, इतना अच्छा लगे गाइस मेरा अबैंडन विलेज में भी मुझे, और 2 आयरन की पिकैक्स। वाह यार गाइस बहुत अच्छा लगे मेरा यहाँ पे। तो अभी सबसे पहले मुझे जो है ना यहाँ पे खाना तोड़ना है थोड़ा सा, क्योंकि मैं जो है ना बहुत भूख लग रही है इस टाइम। मेरा आप हंगर बार भी देख सकते हो कितना मैं भूखा हो रहा हूँ। और यहाँ पे कोई मतलब वो नहीं दिख रहा मुझे कि कोई क्राफ्टिंग टेबल मिल जाए, वरना ये वीट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई क्राफ्टिंग टेबल मिलती है तो हम वो बना पाएंगे ब्रेड, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। तो गाइस यहाँ पे इस विलेज में जितनी लूट हो सकती थी मैंने कर ली है, बस ये हेबेल्स रह गए। मैंने जो वेपन स्मिथ का घर था ना, ब्लैक स्मिथ का सॉरी, उससे मैंने फर्नेस भी निकाल लिए सारे, जो फर्नेस लगे हुए होते ना। और गाइस मुझे डायमंड भी मिल गए पहली रात को गाइस, और ये पहली दफ़ा हुआ कि मुझे किसी विलेजर के घर पर डायमंड मिले हो। तो गाइस अभी मैं यहाँ से सारी चीज़ें तोड़ लेता हूँ। और गाइस यहाँ पे रात भी हो गई है और बेड मैंने शायद लिया नहीं, देखो गाइस अभी तक मैंने बेड नहीं लिया, नहीं ले लिया सॉरी, एक मिनट ये मैंने अंदर क्यों रखवा दिया। यहाँ पे गाइस जल्दी से सोना होगा मुझे, वरना जो है ना यहाँ पे ज़ॉम्बीज आ जाएंगे, और अभी मेरे पास इतना चार्मर नहीं है कि मैं ज़ॉम्बीज से लड़ूँ। तो गाइस फाइनली हमारा पहला दिन यहाँ पे ख़त्म हुआ, और गाइस इसी के साथ हमारे दूसरे दिन की भी शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ से मैं सबसे पहले बेड उठा लेता हूँ अपना यहाँ पे से, और यहाँ पे जितने हेबेल हैं ना वो ले लेता हूँ मैं। और गाइस ये सिर्फ जो 10 ब्राइट है ना, इसके अंदर ही मुझे जो है विलेज ढूंढना पड़ेगा एक, नहीं तो क्या नाम है मुझे क्राफ्टिंग टेबल नहीं मिलेगी। और गाइस वहाँ से मैंने जो ना एक मैं ये भी उठा लेता हूँ जितने भी है ना हेबेल, मैं अपनी सॉर्ड की HP खर्च कर रहा हूँ, फ़ायदा नहीं, मैं जितना है ये उठा लेता हूँ। तो गाइस जितना हो सकता है मैंने इस विलेज से लूट कर लिया, मैंने जो जो निकाल सकता था, मैंने डर्ट भी निकाल ली इनके फार्म से, और क्या नाम है इनके बीट रूट वगैरह भी लगे हुए थे वहाँ पे, मैंने वो भी तोड़ लिए। तो गाइस अभी हम लोग एक और विलेज ढूंढते हैं, क्योंकि इसमें क्राफ्टिंग टेबल तो थी नहीं क्योंकि अबैंडेंड विलेज था। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। और गाइस मुझे वहाँ पे एक डेजर्ट टेम्पल भी दिख गया, देखो गाइस एक मतलब यहाँ पे डेजर्ट टेम्पल और विलेजेस ढूंढना बहुत आसान काम है गाइस यहाँ पे, क्योंकि पूरा एकदम फ्लैट होता है डेजर्ट, यहाँ पे विलेजेस भी आराम से दिख जाते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले इसके अंदर चलते हैं। तो गाइस फाइनली मैं इसके अंदर आ चुका हूँ, और अभी हम लोग जो है ना ये ब्लॉक तोड़ते हैं। और सबसे पहले मुझे जाके प्रेशर प्लेट हटानी है, क्योंकि हमारा हार्डकोर वर्ल्ड है, एक गलती में हमें बहुत भारी पड़ सकती है। और गाइस यहाँ पे सैंड है, इसका कोई काम नहीं है, एक गोल्डन एप्पल ये अच्छा है, और ये स्ट्रिंग्स जितनी है ना ये उठा लेता हूँ मैं, और रोटन फ्लैश भी क्योंकि खाने के काम आ सकते हैं जब खाना नहीं होगा हमारे पास। और इसके अंदर क्या है, और गाइस इसके अंदर बहुत सारा गोल्ड है, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 1। खैर हमें स्केलेटन से फाइट तो करनी नहीं है, लेकिन चलो हम लोग जो है ये भी उठा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। और यहाँ से सैंड भी उठा लेते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक के काम में आ जाएगी, और गन पाउडर भी उठा लेते हैं, और सारे TNT भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ जितनी भी है ना, ये भी उठा लेते हैं, और बोन भी उठा लेते हैं। तो गाइस सामने मुझे एक रुइंड पोर्टल दिखा है, तो अभी हम लोग जो है सबसे पहले उस रुइंड पोर्टल में जाते हैं,
बस उसमें कोई अच्छी लूट हो तो मज़ा आ जाएगा। तो सामने एक गोल्ड ब्लॉक तो दिख ही रहा है मुझे, तो अभी हम लोग सबसे पहले इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे कोई चेस्ट तो गाइस मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे दो, ओए यहाँ पे चेस्ट भी है और एक रेस्पिरेशन थ्री वाला हमें ये मिल गया है। और सबसे पहले मैं ये फेंक देता हूँ, ये उठा लेते हैं रेस्पिरेशन थ्री, और फ्लिंट एंड स्टील भी उठा लेते हैं गाइस। अरे मैंने ये तीन तीन आयरन के आर्मर हॉर्स आर्मर क्यों रखे हैं। और ये सारे नगेट भी उठा लेते हैं, इससे हमारा एक ना एक इंगट तो बन ही जाएगा। हाँ एक इंगट बन जाएगा हमारा। और ये फायर चार्ज किसी काम का नहीं है। और मैं ये गोल्ड उठा लेता हूँ गाइस। तो गाइस मुझे यहाँ पे एक और विलेज दिख गया है जो कि लिटरली बहुत करीब है गाइस। ये विलेज आप यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल थोड़ा सा बस 10-12 ब्लॉक चलाऊंगा मैं उस रूइन पोर्टल से, तो मुझे यहाँ पे एक विलेज मिल गया। और गाइस ये अबैंडन नहीं है, तो अभी हम लोग सबसे पहले इसके अंदर जाके लूट करते हैं। तो इसके अंदर बस क्राफ्टिंग टेबल हो तो अच्छा। अरे गाइस यहाँ पे आते ही मुझे क्राफ्टिंग टेबल दिख गई। सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे जो है ना अपने लिए एक आर्मर बना लेता हूँ, क्या मैं एक चेस्ट प्लेट बना लेते हैं इसकी, क्योंकि दो आयरन की पिकेक्स तो आएंगी हमारे पास, सही है, और तीन डायमंड भी हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले तोड़ के कलेक्ट करते हैं, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे। और गाइस अभी इसी विलेज में मैं रहूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे विलेजर्स भी दिख गए हैं, और गाइस हमारा शिकार भी दिख गया है। तो अभी हम लोग सबसे पहले मारते हैं, और गाइस वहाँ पे दो गायें भी हैं, तो अभी हम लोग सबसे पहले उसको मारते हैं गाइस। अब इस आयरन गोलम को मारते हैं हम लोग सबसे पहले। इसको मैंने हाथ तो लगा दिया है, मेरा पीछा करेगा अब सबसे पहले। और अब मुझे जो है ना एक प्लेन सरफेस ढूंढना है, इस ये हमारे पीछे लग जाएगा मैं देखते ही। तो अभी जो है ना मैं इसको बुलाता हूँ, ये वहीं रह गया। यहाँ पे बुला के हम लोग एक दो तीन, तीन ब्लॉक गाइस मैंने बिल्ड कर लिए। और अब मैं इसको मारता हूँ गाइस। तो गाइस फाइनली हमारा आयरन गोलम मर चुका है, और बेचारा जाते जाते एक पॉपी भी देके गया मैं प्यारा सा। और गाइस इसने मैक्स आयरन दिया जितना ये दे सकता था, तो गाइस ये आयरन गोलम अच्छा था। हमें ऐसी आयरन गोलम की ज़रूरत है यहाँ पे सरवाइव करने के लिए। तो भाई तू क्यों सो रहा है भाई, यहाँ पे उठ मुझे सुन दे। तो गाइस ऐसे ही हमारा दूसरा दिन भी ख़त्म हुआ, और गाइस अब मेरा क्या नाम है दूसरा दिन शुरू तीसरा दिन शुरू हो चुका है। और यहाँ से मैं एक क्राफ्टिंग टेबल उठा लेता हूँ। एक काम करते हैं, इसको यहीं रखे रहने देते हैं, और मैं यहाँ पे क्या नाम है रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ। ऐसे रिस्पॉन पॉइंट सेट करने की ज़रूरत क्या है, हमारा बस एक ही दफ़ा का वर्ल्ड है, हम लोग मरे तो वापसी ये हमें स्पॉन नहीं होने वाले। और गाइस ये मैं पिछले विलेज से जितने वो लेके आया था ना, मैं सबसे पहले यहाँ पे जो है ना अपना एक घर ढूंढ लेता हूँ कि किसी भी, हाँ गाइस ये वाला घर अच्छा है, इसमें स्पेस बहुत है, तो मैं ये वाला घर अपना बना लेता हूँ। और ये शायद किसी क्लैरिक का घर है, तो ये मैं अपना घर बना लेता हूँ सबसे पहले। तो गाइस अभी जो है मैंने अपना घर पूरा सेट कर लिया है यहाँ पे। ये बस कुछ दिनों के लिए मैं अपना एक नया घर बनाऊंगा। तो अपने मैंने जो है ना यहाँ से एक चेस्ट थोड़ी सी, यहाँ पे जो चेस्ट रखी हुई थी और जो बाकी घरों में चेस्ट रखी हुई थी वो तोड़ के मैंने यहाँ पे रख दी, और जो स्मोकर वहाँ रखा हो तो मैंने यहाँ रख दिया। और गाइस यहाँ पे से जो है मैंने जितना सामान मेरा काम का था वो मैंने ले लिया। और गाइस इस क्राफ्टिंग टेबल से सबसे पहले जो है ना मुझे सारा वीट में कन्वर्ट करना है। और कितना हो गया, चलो कोई बात नहीं, हमें बस गाइस मुझे, हाँ बस इतने बहुत होंगे। और गाइस अभी सबसे पहले जो है मैं आयरन की माइनिंग करने जा रहा हूँ। तो अभी ये 45 जो ये सीड्स है ना गाइस, ये मुझे उससे मिले जो मैंने वहाँ पे विलेजर्स का फार्म तोड़ा था ना वहाँ पे जाके अबैंडन विलेज में, और यहाँ पे भी। तो अभी हम लोग सबसे पहले चलते हैं, क्या नाम है, कोई एक केव ढूंढते हैं। और गाइस वहाँ पे भी मुझे कुछ दिख रहा है गाइस, ये भी एक और डेजर्ट टेम्पल मिल चुका है गाइस हमें फाइनली। तो इस डेजर्ट टेम्पल में भी देखते हैं क्या मिला है हमें। तो गाइस फाइनली मैं डेजर्ट टेम्पल के अंदर आ चुका हूँ, और अभी हम लोग सबसे पहले नीचे चलते हैं। और यहाँ से भी मैं सारी चेस्ट उठा लूँगा और इसको तोड़ देता हूँ सबसे पहले मैं। और यहाँ पे भी गाइस इतनी कोई काम की लूट नहीं है, मैं ये बोन जो उठा लेता हूँ कि बोन मिल बनाने के काम में आ जाएंगी। और तो कोई चीज़ काम की नहीं है यहाँ पे, सैडल मिली है, हाँ सैडल ले लेते हैं। और गाइस यहाँ पे थोड़ा सा गोल्ड मिला है, इतनी अच्छी कोई चीज़ मिली नहीं है हमें यहाँ पे। हाँ यहाँ पे भी देखो इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं और यहाँ से मैं सारी चेस्ट उठा लेता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं इस डेजर्ट टेम्पल से बाहर आ चुका हूँ, और मुझे वहाँ पे एक वेल भी दिख रहा है, वहाँ पे मैं ज़रा चलता हूँ। और ये शायद बहुत रेयर होता है मैंने सुना है, पता नहीं आप लोग कमेंट्स में बताना अगर ये रेयर होता है तो। तो गाइस अभी हम लोग, मुझे यहाँ पे केव भी दिख चुकी है, हाँ ये रेयर तो होता है, पता नहीं है अब आप लोग बताना मुझे, खैर इतना ख़ास मुझे पता नहीं है। और गाइस अभी हम लोग फाइनली एक केव में आ चुके हैं, और गाइस यहाँ पे आते ही मुझे आयरन मिल चुका है। तो गाइस यहाँ पे मैं आयरन माइन करता हूँ बहुत सारा, और गाइस क्रीपर आ गया मेरे पीछे। ओ गाइस बच गया गाइस, ऐसे नहीं संभल संभल के खेलना पड़ेगा मुझे, अच्छा मेरा फुल है।
एक मिनट, मुझे यहाँ पे ना टॉर्च लेनी पड़ेगी, ये दो टॉर्च वहीं पर ही पड़ी हुई थी तो मैंने ले ली थी। और गाइस यहाँ से मुझे ये कोल उठाना है सबसे पहले। तो गाइस अभी क्या नाम है, मैं इस केफ में बहुत डीप डाउन आ चुका हूँ, और क्या नाम है, मुझे बहुत सारा यहाँ पे आयरन भी मिल चुका है। मुझे 42 अराउंड आयरन मिल चुका है, और इतने की तो खैर मुझे ज़रूरत है, खैर क्योंकि मुझे बहुत सारा आयरन चाहिए। ज़रूरत तो खैर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कलेक्ट कर रहा हूँ, एक ही दफ़ा कलेक्ट करके ले जाएंगे। और गाइस यहाँ पे मुझे नीचे जो है क्रीपर भी दिखा था पूरा, गाइस अभी मैं गिरता गाइस यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट नहीं पकड़ता तो। गाइस यहाँ पे हम लोग नीचे चलते हैं और इस क्रीपर को भी देखते हैं, इसको सबसे। अबे तीन तीन क्रीपर हैं गाइस यहाँ पे, जो ना एक को फाड़ना पड़ेगा सबसे पहले। मैं ज़रा खाना खा लेता हूँ यहाँ पे सही से। तो गाइस अभी मैं इस केव से बाहर आ चुका हूँ, और मैं बाहर आया तो मैंने देखा यहाँ पे रात हो रही है, तो मैंने बोला यहीं पर ही बेड डाल के सो जाता हूँ अभी मैं। तो गाइस हमारा अभी यहाँ पे फ़िलहाल के लिए चौथा दिन भी ख़त्म हुआ, और गाइस यहाँ से मेरा पाँचवा दिन स्टार्ट हो चुका है। और अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं, और जितना भी आयरन लाए ना वो स्मेल्ट करने के लिए लगाता हूँ मैं। तो गाइस अभी मेरा जितना अभी बहुत सारा आयरन रहता है स्मेल्ट होने के लिए, लेकिन जितना होना था हो गया, जितने की मुझे मतलब ज़रूरत थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले, मेरे पास एक चेस्ट प्लेट हैगी, और यहाँ पे मुझे एक हेलमेट बनाना है। हेलमेट हैगा गोल्ड का, लेकिन वो बाद में भी काम आ जाएगा। और यहाँ पे एक बूट्स बनाना है, और यहाँ पे एक पैंट बनानी है मुझे, जो कि ऐसे बन जाएगी कुछ यूँ करके, यूँ सही है। यहाँ पे एक पैंट भी बन गई। और गाइस ये मैं क्या नाम है, ये उतार लेता हूँ अपना आयरन का आर्मर, और सॉरी गोल्ड का आर्मर। और अब गाइस हमने पूरा अपना आयरन का आर्मर बना लिया है, जो कि अपने अपने D5 में ही कर लिया हमने। इतनी जल्दी नहीं, खैर देर में करा है, लेकिन चलो पूरा आयरन का आर्मर तो हो गया हमारे पास, और एक स्वॉर्ड भी हमारे पास। तो अभी हम लोग क्या नाम है, इसको स्मेल्ट होने देते हैं। तो गाइस अभी मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे अपना एक फार्म बना लेता हूँ, जो कि वीट का फार्म होगा, ऐसी जो हम लोग हाथ से तोड़ लें। ऑटोमेटिक फार्म तो हम बाद में बनाएंगे। तो गाइस यहाँ पे अगर अभी मैंने जो है ना, मैंने देखा मेरे पास सिर्फ 9 डर्ट है, और ये भी डर्ट मुझे यहाँ से मिली है, ये वाला जो है ना, ये जो यहाँ पे ये है ना, ये जो इनका फार्म था इससे मिली है। अब गाइस मेरे दिमाग में एक प्लान आया है, 9 डर्ट को जो है ना हम लोग अनलिमिटेड डर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस उसके लिए जो है ना मुझे ग्रेवल की ज़रूरत है, तो मैं ग्रेवल ढूंढ के आता हूँ कहीं पर, ग्रेवल मिलता है। तो गाइस मुझे इस केव में, जो पहले केव में आया था ना, यहाँ पर ही मुझे ग्रेवल दिखी थी। तो गाइस जितनी ग्रेवल हो सकती है ना, मैं यहाँ से लेके जाता हूँ सबसे पहले। तो गाइस अभी मैं वापसी यहाँ पे ग्रेवल लेके आ चुका हूँ, बहुत सारी ग्रेवल थी, और यहाँ पे रात भी हो चुकी है, इतनी जल्दी वाला दिन गुजर गया मुझे तो पता भी नहीं चला। और यहाँ पे मैं जो है बेड डाल के सो जाता हूँ, और एक मिनट, हाँ। तो गाइस हमारा यहाँ पे छठा दिन भी ख़त्म हुआ, और गाइस इसी के साथ हमारा यहाँ पे सातवां दिन भी स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे गाइस मैं ये जो ग्रेवल लाया था, मैं अभी आप लोगों को सबसे पहले दिखाता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। खैर बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो लोग कमेंट में ज़रूर बताना, सही है, या अगर आपको पता था तो। ये देखो अगर मैं इनको मिलाऊंगा ना, तो यहाँ पे बनेगी कोर्सल डर्ट, सही है। ये कोर्सल डर्ट मैं निकाल लेता हूँ, एक मिनट, सही है। और अब इसको जो है ना मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऐसे करके रखना है, और एक मिनट, सही है। यहाँ पे मैंने हो भी ले लिया था अपना, एक हो भी बना लिया था स्टोन का, स्टोन के हो को भी हो की भी ज़रूरत होगी, सही है। अब ये देखो ये आर्म डर्ट में कन्वर्ट हो गई, सही है, यानी जो हमारी ग्रेवल थी ना वो भी डर्ट बन गई एक टाइप से, तो हमारे पास डबल डर्ट हो गई, सही है। तो गाइस ऐसे करके जो ना मैं अच्छी खासी यहाँ पर डर्ट बना लेता हूँ, तो मैं सारी डर्ट बना के मिलता हूँ। तो गाइस अभी क्या नाम है, मैंने ये इतना बड़ा फार्म तो बना दिया, लेकिन गाइस ये मेरे ख्याल से इनफ नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे, मैंने एक वाटर बकेट भी बना ली थी, वो वहाँ से पानी ले आया था मैं, और उसमें डाल दिया था। तो ये मेरे हिसाब से इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि हम लोग को बहुत फूड चाहिए, और ये इतने मतलब इतना बड़ा नहीं है। तो गाइस इसके लिए फिर जो है ना मुझे और ग्रेवल लेने जानी पड़ेगी, और यहाँ पर ग्रेवल तो सिर्फ जो है ना वहीं मिल सकती है नीचे अंडरग्राउंड। तो गाइस हम लोग अंडरग्राउंड चलते हैं अभी सबसे पहले, और ग्रेवल लेके आते हैं बहुत सारी। गाइस अभी मैं फाइनली यहाँ पे आया था, और यहाँ पे मुझे गाइस ग्रेवल मिल चुकी है। ये देखो गाइस यहाँ पे जो ना मुझे बहुत सारी ग्रेवल दिखी है, ये देखें गाइस यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि यहीं पर ही हम लोग तोड़ लेते हैं जितनी ग्रेवल हो सकती है, तो गाइस मैं सारी ग्रेवल लेके मिलता हूँ। तो गाइस बस मैं अभी घर पे पहुँचा ही था कि रात हो गई, मैंने यहाँ से सारी डर्ट तोड़ ली है जितनी भी लगी हुई थी, और ये कितनी, हाँ ये मैंने थोड़ी सी बना भी ली है,
यहाँ से जो है ना जितनी हो सकती है, एक स्टैक और पड़ा हुआ है मेरे पास यहाँ पे, ये देखो मेरे पास एक स्टैक हो गई है अब डर्ट, और देखो ग्रेवल भी अभी इतनी सारी पड़ी हुई है, अब इनको जो ना हो करना पड़ेगा। और रात हो चुकी है, इससे पहले मॉब स्पॉन हो मैं जाके जो ना सो जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मेरा बेड लगा हुआ है, अच्छा यहाँ पे जॉम्बी को स्पॉन हुआ है, पहले उसको मार देते हैं हम लोग। कहाँ है ये, कहीं आगे पीछे घूम रहा है, उसको मार के जो है ना हम लोग सोते हैं जल्दी से। अबे ये रहा, ये रहा, अबे ये तो गई से मर गया। अभी हम लोग जो है ना वहाँ चलते हैं, इससे मुझे क्या नाम है हंगर का इफेक्ट भी दे दिया है, और यहाँ पर हम लोग चल के सोते हैं सबसे पहले। तो गाइस इसी के साथ हमारा नवा दिन भी शुरू होता है, हमारा 9th डे स्टार्ट हो चुका है, और ये मेरे से गलती से लग गई थी। अभी लेते हैं एक एक डर्ट, बहुत काम किया गाइस। और मैं अब यहाँ पे जितनी डर्ट हो सकती है ना मैं बनाता हूँ, पहले इनको हो मारना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस है, तो मैं बना के आता हूँ। तो गाइस मैंने अपने फार्म को पूरा ग्रो कर दिया है, मुझे जो है ना इसको तोड़ना है यहाँ पे, और जितने सीड निकलेंगे ना, एक मिनट मैं सीड जो है ना हाथ में ले लेता हूँ। और गाइस मैंने 4-5 तोड़े हैं, इसमें से मुझे 22 मिल गए, और यहाँ पे मेरा बोन बिल भी बहुत खर्च हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग को यहाँ पे सीड्स मिल गए अच्छे खासे। और अब जो है ना ये सारे सीड उठाता हूँ मैं, एक स्टैक गाइस मेरे पास हो चुका है, और अब ये मैं सारा कलेक्ट करके जो है ना यहाँ। तो गाइस से मैंने जो है अपना जितना सामान मुझे चाहिए था ना माइनिंग करने के लिए, तो वो मैंने ले लिया। देखो मैंने बहुत सारी, कम से कम 11-12 जो है ना मैंने स्टोन के पिकेक्स बना लिए, इनसे मैं माइन करूँगा, और क्या नाम है इनसे सिर्फ मैं वो माइन करूँगा स्टोन। और डायमंड के लिए मैंने अपने पास 2 आयरन की पिकेक्स रख ली हैं, एक की तो बहुत कम HP है, एक की फुल HP है, सही है ना। तो अभी हम लोग सबसे पहले जो है वाई लेवल 12 पे चलते हैं, मैं डायरेक्ट डिग डाउन कर रहा हूँ, मैं भूल गया था, तो ऐसे ऐसे करके जाना पड़ेगा हम लोग को, और वापसी में डायरेक्ट डिग डाउन करने लग गया। तो गाइस मैं Y12 पे जाके मिलता हूँ आपको। तो गाइस मैं नीचे डिग डाउन कर रहा था, और मैं ऊपर से आके डायरेक्ट नीचे गिरा, और मुझे डिग डाउन करने का वो मिल गया, और शुक्र है मैं पानी में गिरा क्योंकि मुझे डैमेज नहीं मिला यहाँ पे। और गाइस मैं Y13 पे आ चुका हूँ अब, तो अब मुझे इससे नीचे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है इसी रिवेन में मुझे डायमंड मिल जाए। तो गाइस देखते हैं अभी हम लोग को अगर डायमंड मिलते हैं तो। तो गाइस मुझे यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड और आयरन दिख रहा है, गोल्ड की भी हमें ज़रूरत है और आयरन की भी हमें ज़रूरत है, तो मैं ये सारा जितना भी गोल्ड है ना तो मैं ये माइन करता हूँ सारा। और यहाँ पे जितना गोल्ड हो सकता है यहाँ पे हम लोग को 4-5, और गैस यहाँ पे कहीं पे आसपास पे लावा पूल है मेरे ख्याल से, क्योंकि लावा की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, लेकिन शायद हो सकता है इसी की आवाज़ आ रही हो। और गैस यहाँ पे आयरन भी बहुत सारा है, और रेड स्टोन भी दिख रहा है मुझे। गैस मुझे बस डायमंड मिल जाए तो मैं जो है ना एक डायमंड की पिकेक्स बना लूँगा सबसे पहले तो, जो है ना। तो अब मैं डायमंड ढूंढता हूँ सबसे पहले यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आया था, तो गाइस यहाँ पे मुझे पता है क्या दिखा, यहाँ पे मुझे गाइस एक माइन शाफ्ट दिखी है, ये देखो। और गाइस वहाँ पे एक स्केलेटन और एक वो भी आ रही है, एक मिनट मैं पहले से स्पाइडर को मार दूँ, ये तो ऊपर ही चढ़ गई पागल है, तो एक नंबर ही, इसको मार देते हैं हम लोग। और गाइस ये मर गई, वहाँ पे एक स्केलेटन खड़ा हुआ है, लेकिन गाइस मुझे माइन शॉट मिल गई है, इसका मतलब मुझे वुड भी मिल गई है। और गाइस सोचो अभी तक हमारे पास आयरन का आर्मर हो चुका है, लेकिन अभी तक मैंने एक भी दफ़ा वुड नहीं तोड़ी है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे जितना ये गोल्ड भी हो सकता है ना, ये भी मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेने की कोशिश करता हूँ, तो जितना गोल्ड हो सकता है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये। तो गाइस फाइनली अभी मैंने जो है यहाँ पे अच्छी खासी वुड जितनी हो सकती थी मैंने जमा कर ली है, और बाकी जो है ना बाद में आके ले जाऊंगा मैं। और मैंने यहाँ पे थोड़े से फर्नेस वगैरह लगाए हुए थे आयरन स्मेल्ट करने के लिए, ताकि मैं अपनी एक आयरन की एक्स बना पाऊँ, क्योंकि वुड तोड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे, अभी अभी बनाई है मैंने, एकदम फ्रेश आयरन की एक्स है ये। और अभी जो है ना सबसे पहले मैं ये सारे लॉग्स ये जो थे ना, जिससे ये थोड़ा सा जो है ना अलग टाइप की माइन शाफ्ट आई है 1.17 में, तो अभी मैं ये सारी जो है ना लॉग तोड़ लेता हूँ। एक मिनट कोई मार रहा है, एक मिनट, सबसे पहले मैं एक ब्लॉक फेंक दूँ, ये वाला उठा लेता हूँ, एक मिनट ये खुद ही जाएगा देखना लावा में, मर जाएगा ये जाके, जिस जगह ये खड़ा हुआ है ना ये मरेगा, गलत मरेगा। तो गाइस हमारे पास 11 लॉग हो चुके हैं, मर गया देख, मैंने बोला था ना मरेगा। तो अभी हम लोग, हाँ चलो इतने इनफ है हमारे पास। और गाइस तो गाइस मैं वापसी यहाँ पे आ चुका हूँ, और मैंने अपने लिए एक शील्ड भी बना ली थी, तो वहाँ पे मैंने जो ना थोड़े से जो वुड तोड़ी थी ना उससे मैंने पहली दफ़ा अपने लिए एक शील्ड बना ली थी। तो गाइस अब मैं सोच रहा हूँ मैं माइन कहाँ पे करूँ, क्या नाम है मेरा जो ना ऊपर ही है जो घर है ना, बिल्कुल ऊपर डिक करूँगा तो ऊपर हमारा घर आ जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं कहीं हम लोग शुरुआत करते हैं। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर कुछ तोड़ते हैं हम लोग, और मैं गाइस स्टोन के पिकेक्स से तोड़ने वाला हूँ जो भी तोड़ूंगा। और यहाँ पर गाइस थोड़ा सा आयरन है,
ले लेते हैं। खैर मेरे पास बहुत सारा पड़ा हुआ भी है घर पे, लेकिन चलो ले लेते हैं आयरन। और अभी हम लोग ये यहाँ पे अच्छा खासा आयरन है, और अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं यहाँ पे। अब बस हमें डायमंड मिलते हैं, क्योंकि हम लोग कौन से लेवल पे हैं अभी देखना पड़ेगा। हम लोग हैं 14 लेवल पे, अगर नीचे होगा तो हम लोग को दिख जाएगा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे माइन करते हैं, नहीं तो फिर हम लोग थोड़ी सी और नीचे चले जाएंगे। 14 पे वैसे मिल जाते हैं, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। ये 1.17 है, 1.18 है, सही ना, जिसको लग रहा है कि यहाँ पे मिल जाएंगे ये, मतलब 1-59 हो गए ना 1.18 में तो। लेकिन ये अभी ये 1. वो है क्या नाम है, 17 है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं, और मैं यहाँ पे जो है ना टॉर्च लगा देता हूँ, क्योंकि अंधेरा बहुत हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा कोल भी आ चुका है। और थोड़ी सी और आगे चलते हैं हम लोग, ताकि हम लोग को डायमंड्स मिले। लेकिन इतना अच्छा नसीब नहीं है गाइस, बड़ी देर से तोड़ रहा हूँ मैं, और हमें अभी तक हमें डायमंड नहीं मिले। और गाइस हमें फाइनली डायमंड मिल चुके हैं गाइस, पहली दफ़ा डायमंड मिला है, अच्छा खासे हो। बस ये गाइस 3 तो दिख गए मुझे, 4 4 ही हो गए गाइस, अच्छे खासे हैं। और मैं ये जो ना तोड़ लेता हूँ, एक काम करता हूँ, आयरन की पिकेक्स क्या है मेरी, ये क्या नाम है, टूटने वाली है आयरन की पिकेक्स भी, तो नई बना लेंगे। 1 2 2 ये हो गए, 3 4 5, और गाइस यहाँ से मुझे पूरे पूरे 5 डायमंड मिले। तो गाइस मैं अब और डिगिंग करता हूँ, हो सकता है मुझे यहाँ पे और डायमंड्स मिल जाए, तो अब मैं और डिगिंग करता हूँ। तो गाइस फाइनली ये हमारा डे क्या नाम है, मेरे ख्याल से 19 चल रहा है। तो अभी गाइस मैं यहाँ पे बेड ले आया था, अभी देखते हैं अगर हमारे रात हो चुकी है तो अभी हम सो जाते हैं। 1 मिनट, नहीं गाइस अभी हमारी रात नहीं हुई है। तो और गाइस मुझे यहाँ पे थोड़े से और डायमंड मिल गए थे मेरे पास गाइस, आप लोग 40 डायमंड्स हो चुके हैं गाइस। मैं कम से कम कितने माइनक्राफ्ट के, मैं 5 से 6 दिन से लगा हूँ गाइस यहाँ पे, और ये सारा माइन कर लेते हैं। अभी कितने हो गए, 48 डायमंड्स गाइस। और गाइस अब मैंने डायमंड की पिकेक्स भी नहीं बनाई थी, मैंने सोचा आप लोग के सामने ही बनाऊंगा। और गाइस अब इतने डायमंड्स तो इनफ हैं, तो मैं वापसी चलता हूँ। देखो मेरे पास जितनी पिकेक्स थी वो ख़त्म हो गई थी, और जितनी और बनाई थी वो भी ख़त्म हो गई थी। और गाइस ये रास्ता इतना लंबा है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, अभी आप लोग देखो। तो गाइस फाइनली मैं अपनी एक चेस्ट के पास पहुंच चुका हूँ, जिसमें जो है मैंने अपना सारा सामान डाल दिया था, जो भी मुझे आयरन वगैरह मतलब कॉबल स्टोन मिल रहा था ना, जिसकी वजह से मेरी इन्वेंटरी फुल हो रही थी। मैं अपना वुड बीन रख के आया, सोचो तो। और मैंने घर पे जाने का भी रास्ता बना लिया था, एक आयरन की पिकेक्स से भी पड़ी हुई मैंने देखी नहीं थी। और यहाँ पे से थोड़ा आयरन, चलो छोड़ो आयरन को छोड़ो, अभी हम लोग जो है ना घर चलते हैं सबसे पहले। और मैंने घर पे जो है ना गाइस ऊपर जाके मैंने डिग कर लिया था, और ऊपर से जो है ना एक वाटर बकेट डाल दी थी मैंने। और अभी देखो मैं ऊपर चलता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। 1 मिनट, अरे मैं यहाँ कहाँ आ गया। तो अभी हम लोग सबसे पहले ऊपर चलते हैं, पता नहीं यहाँ पे रात हो रही होगी नहीं हो रही होगी, तो अभी हम लोग ऊपर चलते हैं। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे से जो है मैं बेड भी ले गया था। और ये देखो गाइस हमारा पूरा क्या नाम है, ये 48 डायमंड जो है हमारे पास है, और लैपिस भी मुझे, रेड स्टोन भी बहुत सारा मिला था। और गाइस हमारी ये वाली चेस्ट भी फुल हो गई है, मुझे और चेस्ट चेस्ट चाहिए होंगी। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले जो ना मैं अपने लिए कुछ, 1 मिनट, चेस्ट क्यों बना रहा हूँ मैं, चेस्ट होंगी मेरे पास शायद, देखता हूँ मैं यहाँ पे। नहीं गाइस यहाँ पे तो कोई चेस्ट नहीं है, तो मुझे थोड़ी सी चेस्ट बनानी पड़ेगी, 2 चेस्टें बहुत होंगी मेरे लिए। 1 मिनट, यहाँ पे जो है ना 1 2, ये 2 चेस्ट निकाल लेते हैं, और यहाँ पे जितना हम लोग माइन करके लाए ना कॉबल स्टोन वगैरह वो रख देते हैं, सही है। 1 मिनट, इसके ऊपर से मुझे अब यह हटाना पड़ेगा सबसे पहले। यह हटाने के बाद अब गाइस पूरा जितना भी कॉबल स्टोन मैं लाया हूँ ना वो यहाँ पर रख देता हूँ, और डीप स्लेट वगैरह जितने भी स्टोन हैं वो मैंने यहाँ रख दिया। और गाइस अब अपने हम लोग जो है ना डायमंड का आर्मर बनाते हैं। तो अब सबसे पहले मुझे गाइस एक चेस्ट प्लेट चाहिए डायमंड की, तो मैंने डायमंड की चेस्ट प्लेट बना ली गाइस, और हमारी एडवांसमेंट भी आ चुकी है। और एक मुझे पैंट चाहिए, और गाइस अभी मैं शिफ्ट दबा देता गलती से और मेरी सारी पैंट्स बन जाती। एक क्या नाम है, ये चाहिए था हेलमेट, और एक लेगिंग और बूट चाहिए, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। और यहाँ पे जो है ना अब मुझे जो है अपना पूरा याला आर्मर जो है उतारना है। और गाइस फाइनली हम लोग का पूरा डायमंड का आर्मर बन चुका है गाइस, ये देखो पूरा हम लोग का डायमंड का आर्मर बन चुका है। तो गाइस अब हम लोग को मारना और इम्पॉसिबल हो गया किसी भी मॉब के लिए। और गाइस अब मेरे पास कितने डायमंड बचे हैं,
पर 24 डायमंड बचे हैं गाइस, यानी इसमें एक और आर्मर बन सकता है, लेकिन मैं एक और आर्मर नहीं बनाऊंगा इसमें। मुझे क्या नाम है, अपने लिए एक डायमंड का वो बनानी है पिकेक्स, जिसके लिए मेरे पास वुड बिल्कुल भी नहीं है, मतलब स्टिक बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं थोड़ी सी जो है ना स्टिक निकालता हूँ, और अपने सारे जो टूल्स हैं ना वो भी बना लेता हूँ मैं यहाँ पे से। तो ये एक पिकेक्स बन गई गाइस हमारी, और एक एक्स एक्स का कोई काम नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे वुड बहुत कम मिलती है हमें, वो मैं आयरन की एक्स से देख लूँगा। तो यहाँ पे मैं एक स्वॉर्ड बना लेता हूँ, और गैस बस, और मुझे कुछ नहीं बनाना। बाकी के डायमंड जो है ना मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और गैस अब जो मुझे चीज़ बनानी है वो है एनचैंटमेंट टेबल, तो वो बनाते हैं हम सबसे पहले। तो गैस फाइनली अभी मैं नीचे आ चुका हूँ, अभी मैंने एक स्केलेटन को मार दिया अपनी शॉर्ट से, और यहाँ पे एक स्केलेटन आ गया था, उसने देखो मेरे कितने तीर बजा दिए, देखो ये देखो एक तीर मारा है, इतने सारे नहीं मारे। और गैस यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो ना ऑब्सीडियन बनाते हैं, और इस ऑब्सीडियन को हम लोग माइन करते हैं। और गैस मुझे कम से कम, मैं काम करता हूँ यहाँ से जितने हो सकते हैं ना, मैं उतने ले लेता हूँ, निकाल लेता हूँ जितने हो सकते हैं मेरे से। तो गैस क्या नाम है, अभी अभी जो है मैं कम से कम आधे घंटे से जो है इन लोग की ब्रीडिंग करा रहा हूँ, और गैस ये देखो कितनी सारी काउस हो चुकी है हमारे पास अब। तो अब जो है ना यहाँ पे मैं इन लोग को लास्ट टाइम खाना खिला देता हूँ सबको, और फिर इनके बाद गैस हम मुझे इनको मारना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बुक्स चाहिए, और बुक्स बोल रहा हूँ मतलब लेदर चाहिए, तो लेदर की वजह से तो मुझे बुक मिलेगी। तो गैस यहाँ पे लैग भी हो रहा है, इतने सारे एनिमल्स आ गए ना यहाँ पर। तो अब बस गैस इन लोगों को खिलाता हूँ मैं लास्ट टाइम खाना, और बस करते हैं गैस, लैग हो रहा है यहाँ पे जो है ना। और अब गैस यहाँ पे इन लोगों की जो है ना तादाद बढ़ गई, अब मुझे जो है ना इन लोगों को मारना है। तो गैस मैं इन लोग तो गैस फाइनली मैंने जो है इन लोग की तादाद थोड़ी कम कर दी, और गैस मुझे 16 लेदर मिल चुके हैं, जो कि अभी तो इतने इनफ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना बहुत ही है। और गैस पहली दफ़ा मुझे यहाँ पे रॉ बीफ मिला है, तो अभी मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा, ये जो है कोई इंटेंस फाइट, यानी अगर मैं नैदर वैदर जाऊँगा तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करूँगा। अभी तो हमारे पास ब्रेड है थोड़ी बहुत, तो वो मैं ले लेता हूँ। और गैस अब इसके बाद मुझे पेपर चाहिए, पेपर हमें शुगर केन से मिलेगा, तो अब मुझे शुगर केन चाहिए होगा बहुत सारा, तो शुगर केन यहाँ पे मेरे पास है नहीं अभी, तो मैं लेके आता हूँ। और गैस रात भी होने वाली है, तो मैं काम करता हूँ, जब तक जो है ना मैं यहीं पर ही सो जाता हूँ, जब तक रात हो रही है यहाँ पे। देखो टाइम तो हो गया रात होने का, लेकिन अभी जो है ये देखो अभी पूरी तरीके से रात नहीं हुई है, तो गैस मैं आधा दिन बिता के ही चलता हूँ। तो गैस इसी के साथ हमारी डे 21 की भी शुरुआत हो चुकी है, रात हो गई थी मैं सो गया था। और गैस अभी मैं कोई एक डायरेक्शन पकड़ता हूँ, ये वाली डायरेक्शन पकड़ता हूँ यहाँ पे जो है, लेकिन यहाँ पे एक अबेंडेंट मिले से यहाँ पे फ़ायदा नहीं है जो हमें मिला था सबसे पहले। तो गाइस मैं याली डायरेक्शन पकड़ता हूँ एक, और यहाँ पे जो है ना मुझे शुगर केन ढूंढने सबसे पहले, तो मैं शुगर केन ढूंढ के मिलता हूँ आप लोगों को। तो गाइस फाइनली मुझे सामने जो है शुगर केन दिख चुके हैं, वो देखो गाइस वहाँ पे, लेकिन ये थोड़े से शुगर केन है, मुझे अच्छे खासे चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ बहुत थोड़े से शुगर केन है, दो ही शुगर केन लगे हुए हैं, इससे मैं अनलिमिटेड बना तो सकता हूँ, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो गाइस अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं अगर हमें और मिलते हैं तो। तो गाइस अभी मुझे जहाँ से शुगर केन मिला है, बस मुझे उससे थोड़ा सा थोड़ा ही ब्लॉक और आगे आया था। तो गाइस यहाँ पे मुझे एक रूइन पोर्टल मिला है, सबसे पहले जो है ना मैं एक गोल्ड ब्लॉक तोड़ लेता हूँ, और यहाँ पर उसकी चेस्ट ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर बहुत देख लिया, मुझे यहाँ पर कोई भी चेस्ट नहीं दिख रही, और क्या नाम है, मैंने बहुत सारे यहाँ पर खोद लिया। और गाइस यहाँ पर मुझे मैगमा और नैदर रैग भी मिल गए, नैदर जाने से पहले ही मिल गए। चलो ये हम लोग तोड़ लेते हैं थोड़े से, क्या पता हमारे कहीं काम आ जाए बिल्डिंग ब्लॉक्स में, और ये टूटते भी बड़ी तेज़ है ना। तो एक मिनट यहाँ पे भी मैं चेक कर लेता हूँ, क्या पता, ओह नहीं, ओह भाई मैं मर जाऊँगा भाई ऐसे करके। तो गाइस अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि मुझे चेस्ट चाहिए थी और वो यहाँ पर है ही नहीं। तो हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, और एक मिनट, हम लोग वहाँ से आए, हम लोग को यहाँ जाना है सही है ना। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ मुझे जितने शुगर केन मिलते हैं मैं ले। तो गाइस मैं बहुत आगे आ चुका हूँ, और मुझे अभी तक सिर्फ वो जो दो शुगर केन मिले थे अभी तक वो ही मिले हैं। तो गाइस मैं अब इससे आगे जाना नहीं चाहता, कहीं मैं खो ना जाऊँ। तो गाइस अभी हम लोग जो है ना वापसी घर चलते हैं, क्योंकि मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। मेरे कोऑर्डिनेट्स आप लोग देखो, ये देखो गाइस मेरे कोऑर्डिनेट्स वाले देखो, जो जेड है हमारा वो 2000 हो चुका है, यानी मैं 2000 ब्लॉक दूर आ चुका हूँ घर से। तो गाइस फ़ायदा नहीं है, अभी मैं जो है ना वापसी घर की तरफ चलता हूँ। तो गैस मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा और पीछे आया, तो गैस यहाँ पे एक और ब्लैक स्मिथ का घर है, इसमें भी देखते हैं। और गैस यहाँ पे ऑब्सीडियन रखा हुआ है, मैं ये उठा लेता हूँ सबसे पहले, ये फेंकना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे आयरन भी है कुछ, ये मैं क्या फेंकूँ, हाँ ये जो है ना 4 नैदर रैक फेंक देते हैं हम लोग, और ब्रेड भी उठा लेते हैं, काम आ जाएगी हमारे।
और गैस इसका कोई काम नहीं है। और गैस यहाँ पे रात भी हो चुकी है, तो गैस हम लोग जो है अभी सोते हैं सबसे पहले जाके, और इसको उठाते हैं सबसे पहले और गैस यहाँ पे सो जाते हैं। इसी के साथ गैस हमारा 21 डे ख़त्म हुआ, और हमारा 22 डेज जो है ख़त्म, 21 डे ख़त्म हो चुके हैं और 22 डेज शुरू हो चुका है हमारा। और मैं यहाँ से जो है ना ये आयरन गोलम को नहीं मारूंगा, और गैस में शुगर केन थोड़ा सा और दिख गया, मैं ये लेके जो है ना घर चलता हूँ। तो गैस मैंने अभी जो मैं नैदर जा रहा हूँ ना, तो गैस हमारे अभी रात भी होने वाली है, और गैस मैंने अपना एक नैदर पोर्टल भी बना दिया है जिसके साइड में मुझे मैंने मैग्मा लगाया, और ये गैस बहुत प्यारे लग रहे हैं मैग्मा ब्लॉक। और गैस मैं सबसे पहले इसको लाइट अप करता हूँ, लेकिन मैं अभी इसको नहीं जाऊँगा, मैंने इसको लाइट अप तो कर दिया है, मैं पहले सो जाता हूँ। और क्या नाम है, मैंने जो ना यहाँ पे फूड भी ले लिया और अपनी इन्वेंटरी भी सही से सेट कर ली है, और यहाँ पे जो ना वो जो स्टेक है ना वो मैंने पकने के लिए लगा दिए सारे। और गैस अभी हम सो जाते हैं। तो गैस हमारा 22 डे भी ख़त्म हुआ, और इसी के साथ गैस हमारा 23 डे भी शुरू हो चुका है, 23वां दिन हमारा शुरू हो चुका है। और गैस इसमें से मैं सारा खाना निकाल लेता हूँ जितना पका है हमारा। नेदर पोर्टल में आ चुके हैं अपने, और गैस यहाँ पे हम लोग बहुत ही गंदा स्पॉन मिला है, क्योंकि ये शायद मेरे ख्याल से अंडरग्राउंड है, हम लोग को अपने कोऑर्डिनेट्स देखने पड़ेंगे। हाँ गैस ये अंडरग्राउंड है, क्योंकि 41 हाइट तो ऐसा होती नहीं है। और गैस मैं यहाँ कहीं से जो है ना डिग डाउन करता हूँ ऊपर के लिए, और एक अच्छा सा रास्ता बना देता हूँ, क्योंकि हमारा आना जाना लगा रहेगा, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर डिग डाउन करता हूँ। तो गैस फाइनली अभी मैंने यहाँ पे एक पूरा रास्ता बना दिया, पहले मैं यहाँ से एक सीढ़ी बना रहा था, मैं इतनी ऊपर चले गया यहाँ पर मुझे फिर भी कुछ नहीं मिला, तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा डिग करा ना, तो यहाँ पे मुझे ए सोल्ड सैंड बायोम मिली है, मैं भी ऊपर चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। और गैस ये कितना ऊपर है आप लोग देखो। तो अब गैस हम लोग ऊपर तो आ चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग जो है मैं आप लोग को बाहर का व्यू दिखाता हूँ पहले। इतनी गंदी बायोम मिली है गैस को हमें, कि मतलब हमें बायोम तो सही मिली है, लेकिन जो है ना ये बहुत अंडरग्राउंड टाइप है ये। तो अभी हम लोग जो है ना थोड़ा सा और आगे चलते हैं यहाँ पे, और गैस वहाँ पर मुझे एक एंडरमैन दिख गया, पंगे नहीं उससे, और मैंने गोल्ड के बूट्स भी पहन लिए थे गैस, ताकि लोग मुझे मारे ना। और यहाँ पे गैस देखते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे चल के यहाँ पे हम लोग को क्या क्या चीज़ मिल रही है, यहाँ पे अगर फोर्ट्रेस मिल जाए तो अच्छा है। तो अभी हम लोग थोड़ा, तो गैस मैं वहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा नेदर के अंदर, तो वहाँ पे मुझे एक रुइंड पोर्टल मिल गया, और उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो मुझे वहाँ पे एक फोर्ट्रेस मिल गया। तो गाइस फाइनली मुझे क्या नाम है, उसने पिगलिन ने 2 पोशंस तो दे दिए फायर रेस के, और अब इन्हीं के साथ मुझे करना पड़ेगा, बस मेरे पास कितने 16 मिनट होंगे ब्लेजेस को मारने के लिए। तो अभी हम लोग अपने फोर्ट्रेस की तरफ चलते हैं। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पे फोर्ट्रेस के पास पहुँच चुका हूँ, और ये सोल सैंड आ गई, और यहाँ पे देखो ये रहा फोर्ट्रेस, अभी हम लोग अंदर चलते हैं। और गैस हमारी एडवांसमेंट भी आ चुकी है, और गैस अब यहाँ पे जो है ना मुझे ज़्यादा देर रुकना नहीं है, क्योंकि ख़तरे वाली जगह है। अब यहाँ पे मुझे जो है ना सिर्फ एक ब्लेज स्पॉनर ढूंढना है, और गैस ये रहा ब्लेज स्पॉनर भी ये रहा, सही है ना। तो मैं अब सबसे पहले जो है ना अपना क्या नाम है फायर रेस लेता हूँ, वो मैं यहाँ पर मार लेता हूँ अपने ऊपर। चलो हमारे पास फायर स्टैंड आ गया, और मैं अब यहाँ पर जो है ना ब्लेज का आने का इंतज़ार करता हूँ सबसे पहले, और अभी तक आए नहीं कोई भी ब्लेज, और कितनी देर में आएगी। आ गई गैस, तीन तीन आ गई एक साथ। एक मिनट इनसे गैस, इसने हमें नहीं दी ब्लेज रॉट, और इसने भी नहीं दी गैस, नहीं इसने भी नहीं दी, इसने भी नहीं दी गैस, पता नहीं क्या हो गया, लूटिंग लगा के लाना पड़ेगा क्या मुझे। और गैस से लोग डैमेज कितना गंदा दे रहे हैं। एक मिनट मैं एक स्टिक खाता हूँ उससे पहले, आ गई। तो गाइस फाइनली मुझे जो है ना यहाँ पे ब्लेज रॉड मिल गई है, और मैं गाइस यहाँ पे अच्छी खासी 2 मिल गई गाइस, तो मैं गाइस यहाँ पे जो है ना अच्छी खासी ब्लेज रॉड जमा करके मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली अभी मैंने जो है 25 ब्लेज ख़त्म कर लिए, वो जमा कर लिए सॉरी, और मैं यहाँ पे जो है ना मैंने स्पॉनर भी तोड़ दिया, ताकि लोग और ना आए, क्योंकि मेरा फायर रेस का जब तक पोशन था जब तक मैंने मारी एक दो, एक दो नहीं बहुत सारी मारी हैं, और मेरा लेवल भी अच्छा खासा हो चुका है। और गैस अब मैं यहाँ से निकलता हूँ सही है ना, और मैं यहाँ से घर चलता हूँ सबसे पहले। तो गैस फाइनली मैं अपने पोर्टल के पास पहुँच चुका हूँ, मतलब मैं अपने पोर्टल के पास नहीं पहुँचा हूँ अभी, पोर्टल तो हमारा बहुत नीचे है आप लोगों को पता है, अंडरग्राउंड है, लेकिन पहले इसको मारना पड़ेगा।
ये परेशान कर रहा है, एक मिनट अब बताता हूँ इसको। ये गया। चलो गाइस अब हम लोग जो है ना, मैं घर पे चलता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पे कहाँ पे था मैं भूल गया असल में, यहाँ पे जो है ना यहीं कहीं था, मैं देखता हूँ एक मिनट। हाँ नहीं ना ये भी नहीं है, कहाँ गया गाइस एक मिनट मैं ढूंढ के मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली हम लोग पोर्टल के पास आ चुके हैं और मैं अब अंदर चलता हूँ उसके। और गाइस अब इतने मतलब क्या नाम है, हम लोग इतने देर बाद अपने ओवर वर्ल्ड में जा रहे हैं, तो अभी हम लोग सबसे पहले अंदर चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग अपने एक ओवर वर्ल्ड में आ गए हैं। और गाइस यहाँ पे एक अलग ही क्या नाम है माहौल है, बिल्कुल सुकून है यहाँ पे गाइस। तो गाइस अभी फाइनली मैं यहाँ पे बेड के पास आ चुका हूँ और गाइस यहाँ पे रात भी हो रही है, मैं सो जाता हूँ सबसे पहले। तो गाइस इसी के साथ हमारा 23rd डे शुरू हुआ। और गाइस सॉरी 23rd डे शुरू नहीं हुआ, 23rd डे ख़त्म हुआ, 24th डे हमारा शुरू हुआ। तो गाइस इस वीडियो की शुरुआत पे मैंने जो है ये तीन गोल सेट करे थे, जिसमें से था एक फुल एनचेंटेड डायमंड आर्मर और एक घर हमारा, और मुझे एंडर ड्रैगन को मारना चाहिए ना। तो गाइस अभी क्या नाम है, मैं ये तो पूरा नहीं कर सकता डायमंड का फुल एनचेंटेड आर्मर, क्योंकि उसके लिए मुझे मैं घर सबसे पहले जो है ना एक घर बना लेता हूँ। तो गाइस घर बनाने के लिए जो है ना मुझे स्टोन चाहिए होगा बहुत सारा, तो मैं यहाँ से जो है ना मैं स्टोन ब्रिक्स का एक सोच रहा हूँ एक कासल बना लूँ। तो अभी जो है मैं यहाँ से जितना मेरे पास कॉबल स्टोन है वो स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ, और मैं थोड़ा सा माइनिंग के लिए जाता हूँ और वहाँ से कॉबल स्टोन लेके आता हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने अपनी इन्वेंटोरी खाली कर ली है और यहाँ पे मैंने थोड़े फर्नेस लगा दिए ताकि मैं स्टोन को स्मेल्ट कर सकूँ। और यहाँ पे मैंने एक चेस्ट और लगा दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, गिच पे चोरी थी, कोई भी चेस्ट मतलब खाली नहीं है, सारी भर गई थी दोनों की दोनों। तो गाइस यहाँ पे मैंने थोड़े से फर्नेस लगा दिए और इनमें कोल बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे जो है ना रिवीन में जाना पड़ेगा और मैं वहीं से स्टोन ले आऊँगा चकासा। मैं सोच रहा हूँ कि पूरा जो है ना अपनी इन्वेंटोरी भर लेते हैं और 4-5 स्टैक कोल के ले आते हैं। तो मैं सबसे पहले नीचे चलता हूँ रिवीन में। तो गाइस फाइनली मैंने अभी इतने सारे कॉबल स्टोन माइन कर लिए हैं और यहाँ पे कोल भी अच्छा खासा माइन कर लिया, और मैंने सारे फर्नेस जो है ना यहीं पर ही बना के और यहीं लगा दिए। वो जो 8 फर्नेस पड़े हुए थे ना चेस्ट में, वो मैंने यहाँ पे लगा दिए और इन सब में कोल भी डाल दिया है। तो गाइस मेरे ख्याल से इतने कॉबल स्टोन इनफ होंगे, क्योंकि मेरे पास ऊपर भी पड़े हुए हैं। तो बस मैं यहाँ से चलता हूँ सही ना, ये सारे जितने कॉबल स्टोन स्मेल्ट होते हैं इनको लेके। तो गाइस अभी मैं जाके जो है ना थोड़ा सा गोल्ड भी ले आऊँ माइन करके, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं 24 गोल्ड और थोड़ा कॉपर और आयरन तो मैंने ऐसे ही ले लिया था, कॉपर का और गोल्ड की मुझे ज़रूरत थी, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा क्यों थी। और गैस इसमें भी बस एक स्टैक पूरे होने वाले हैं। हाँ भाई यहाँ पे जो है ना ये सारे मैं निकाल लेता हूँ एक एक करके, सारे तोड़ लेता हूँ, मुझे सारा सामान मिल जाएगा। और ये तीन भी हो गए, इन सब में भी एक एक स्टैक भर चुका है। और ये एक मिनट इसमें जो ना इसमें भी हो गया, और बस इसमें भी होने ही वाला होगा, इसको भी लेके चलते हैं गाइस, इसमें भी बहुत टाइम लगेगा। तो गाइस अभी मैं सबसे पहले जो ना ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे कोई काम की चीज़ है तो देख लेता हूँ, कोई कॉबल स्टोन आयरन ले लेते हैं, और तो कोई काम की चीज़ है। हाँ डीप स्लेट, और डीप स्लेट ले लेते हैं मैं थोड़ा सा सही ना। और गाइस अब मैं ऊपर चलता हूँ सबसे पहले। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पे ऊपर पहुँच चुका हूँ और गाइस सूरज भी ढल चुका है इसी के साथ हमारा। और अब मुझे यहाँ पे जो ना मैं सोता हूँ सबसे पहले जाके जो ना। और गाइस यहाँ पे हमारा 24 डे भी ख़त्म हुआ और अब इसी के साथ हमारा 25th डे शुरू हो चुका है। और गाइस अब इस 25th डे में मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो ना मुझे शायद आयरन चाहिए होगा, थोड़ा सा आयरन ले रहा। यहाँ पे मुझे एक स्टोन कटर बनाना है, पता नहीं कैसे बनता है, मुझे सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे सबसे पहले। ये रहा गाइस, हाँ गाइस ये बन सकता है, इसको मैं ले लेता हूँ सबसे पहले। और इससे जो है ना मुझे सारे स्टोन ब्रिक्स बनाने से ही ना, क्योंकि गाइस मैंने आप लोग को बोला है मैं कासल बनाऊंगा, तो कासल के लिए तो स्टोन ब्रिक्स ही सबसे ज़्यादा सूटेबल होते हैं। तो अब सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पे स्टोन ब्रिक्स बना लेता हूँ यहाँ पे सारे, और यहाँ पे भी ये जितने हो सकते हैं मैं बना लेता हूँ। और गाइस मैं ये जितने और कॉबल स्टोन इस चेस्ट में पड़े हुए ना मेरी, मैं ये भी स्मेल्ट करके बना के मिलता हूँ हम लोग। तो गाइस अभी मैं स्मेल्ट कर रहा था यहाँ पे, तो रात हो चुकी है, तो अभी मैं सो जाता हूँ सबसे पहले। और गाइस इसी के साथ हमारा क्या नाम है 25th डे ख़त्म हुआ और 26th डे शुरू हो गया। और गाइस हम लोगों ने अपनी हाफ जर्नी तो कंप्लीट कर ली है। तो गाइस अभी क्या नाम है मैंने बहुत सारी स्मेल्टिंग कर ली है, मेरे पास इतने सारे क्या नाम है स्टोन ब्रिक्स आ चुके हैं, मुझे पता ही इनफ नहीं है, लेकिन अभी जितने हैं मैं उतने का अपना घर बना लेता हूँ। घर नहीं है असल में, मैं कासल बनाने वाला हूँ अपने लिए, और वो अच्छा खासा बड़ा होगा। तो मैं सोच रहा हूँ मैं एक ऐसा फेस करते हुए बनाऊँ विलेज को फेस करते हुए। तो गाइस मैं अपना पहले जो है ना एक वो बना लेता हूँ,
लेआउट बना लेता हूँ कि मुझे कैसा बनाना है, उसके बाद फिर मैं बिल्ड कर दूँगा। तो गाइस बहुत देर के बाद मैंने अपने लिए एक ये लेआउट फाइनल करा है। मैंने बहुत दफ़ा तोड़ा, बहुत दफ़ा बनाया है, तो गाइस ये मुझे थोड़ा सही लग रहा है। अब गाइस अब इसके ऊपर जो है ना, मैं इस वॉच ये जो दो है ना, ये वॉच टावर बनाया मैंने, अब मैं इसके ऊपर बिल्ड करता हूँ। सबसे पहले मेरे ख्याल से ये होने चाहिए कितने, मेरे ख्याल से ये जो ना मैं 10th ब्लॉक की हाइट पर रखता हूँ। सही है, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सही ना, अब इतनी हाइट का होगा ये, और इसकी वाली बॉल जो है ना, नीचे वाली बॉल, ये वॉच टावर 10 हाइट का होगा और इसकी नीचे वाली बॉल, एक मिनट, मेरे पास कुछ भी चीज़ नहीं है एमएलजी करने के लिए, ब्लॉक लगाना पड़ेगा मुझे। तो गाइस अब इसके लिए जो है ना, मैं 7th हाइट रखूँगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सही ना, आप लोग समझ गए होंगे, वॉच टावर जो है ना वो दो हाइट ऊपर होगा। सही है, तो गाइस अब मुझे ऐसे कर करके काम करना है। सबसे पहले मैं खाना खाता हूँ और मैं ये पूरा बना के मिलता हूँ। तो गाइस ये देखो, मैंने अपना एक वॉच टावर तो बना दिया, और देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। अब ऐसे ही करके जो है ना, मुझे पूरा बनाना है। मेरे पास बहुत कम स्टोन ब्रिक्स हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इतने में बना दूँ। तो और मैं अब ये सबसे पहले जो है ना, दूसरा भी वॉच टावर बना के आता हूँ। तो गाइस अभी मैं अपना बेड वहाँ से निकाल के यहाँ पे ले आया हूँ, और गाइस इसी के साथ हमारा 26th डे भी ख़त्म हुआ। और तो गाइस फाइनली मैंने ये बना दिया है। लेकिन गाइस ये जो ये डीप स्लेट है ना, ये मैं समझता था पॉलिश डीप स्लेट है, और मैं इसको पॉलिश कर भी नहीं सकता। वो कॉबल डीप स्लेट जो होते हैं ना, वो पॉलिश होते हैं। तो गाइस अब मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं इसको हटा रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, और मैं अभी वापसी माइनिंग के लिए जा रहा हूँ, ताकि मैं और अपनी मैं कोई आयरन की पिकैक्स ले आता हूँ, ये बात में आके तोड़ दूंगा। लेकिन गाइस ओवरऑल बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसका। तो अभी मैं जो ना वहाँ पे नीचे चलता हूँ और अपनी माइंड में, और अच्छे खासे कॉबल डीप स्लेट और जितने हो सकते हैं मैं स्टोन ब्रिक्स भी ले आऊँगा, क्योंकि बहुत कम हो गए मेरे पास। तो गाइस फाइनली अभी आप लोग देख सकते हो मैंने कितना ज़्यादा एरिया माइन कर दिया है यहाँ से। तो गाइस ये क्या नाम है, मैंने कम से कम 6 दिन हो चुके हैं मुझे, कम से कम नहीं, पूरे पूरे 6 दिन हो चुके हैं। और गाइस ये हमारा 33 डेज हो चुके हैं हम लोग के पूरे हार्डकोर वर्ल्ड के। और गाइस अभी तक मुझे सिर्फ इतने ही मिले, लेकिन गाइस ये मेरे ख्याल से काफ़ी होंगे। और ये पॉलिश वाले के लिए जगह नहीं है, टॉर्च रख देता हूँ, ये ले जाना पड़ेंगे क्योंकि ये ज़रूरी है, और वाटर बकेट हैगी मेरे पास ऊपर। तो गाइस अभी इतने लेके चलते हैं और बाद में आके लेके चलेंगे। गाइस मेरे बहुत टाइम लग गया यहाँ पे, कम से कम अगर मैं अपने रियल लाइफ के बताऊँ ना, मुझे 3 घंटे हो चुके हैं ये खोदते हुए, और वैसे मुझे 6 दिन बीत चुके हैं। तो गाइस अभी जो ना मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ सबसे पहले। तो गाइस मैं अभी आप लोगों को एक चीज़ तो दिखाने ही भूल गया था कि मैंने देखो यहाँ पे ये स्टोन के पिकैक्स से माइन करा, अपनी डायमंड वाली पिकैक्स से माइन नहीं करा, बिल्कुल भी माइन नहीं करा मैंने उससे, और स्टोन की पिकैक्स से माइन करा, क्योंकि गाइस ये मेरी डायमंड की पिकैक्स टूट जाती। तो गाइस ये चेस एक दफ़ा खाली हो चुका है, और ये मैंने दूसरी दफ़ा भरा था, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही बना दिया था, तो इसमें ही बहुत सारा स्टोन खर्च हुआ है मेरा। तो गाइस अभी हम लोग जो है ना, सबसे पहले ऊपर चलते हैं। तो गाइस अभी मैं वहाँ से आ चुका हूँ, वहाँ पे बहुत सारे क्रीपर स्पॉन हो गए हैं। तो गाइस मैं 2 से 3 दफ़ा क्रीपर फट भी चुका है मुझसे, तो मैं यहाँ पे आके सो गया, क्योंकि वाला मेरा बेड जो है ना वो टूट चुका है क्रीपर फटने की वजह से। और गाइस इसी के साथ हमारा 34th डे भी ख़त्म हुआ, और 34th डे हमारा शुरू हुआ यहाँ पे। और गाइस ये यहाँ पे मेरे शुगर केन्स भी सारे उग चुके हैं गाइस। और गाइस देखो यहाँ पे कितने क्रीपर हैं, अभी मैं आप लोग को इन लोग का ब्लास्ट दिखाता हूँ सबसे पहले। ये देखो ये लोग आ रहे हैं, इन लोग को जो है ना फाड़ना पड़ेगा, एक मिनट, एक एक करके गाइस इन लोग को, ओ फट गया, इसको भी फाड़ ही देते हैं, एक मिनट। तो गाइस ये मर गया हमसे, और गाइस उसने बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया वहाँ पे, चलो कोई मसला नहीं। और यहाँ पे जो है ना गाइस, अब मैं इसको ठीक करता हूँ, मैं जितना छोड़ के गया था उतना ही है। और गाइस सबसे पहले जो है ना, मैं इसकी चारों तरफ की वॉल कवर कर देता हूँ। तो गाइस अब मैं इसके ऊपर जो है ना थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करने वाला हूँ। अब मैं सबसे पहले ऊपर चलता हूँ, यहाँ से हम लोग सबसे पहले ऊपर चलते हैं। तो गाइस ये जो इनका लुक्स होता है ना, मतलब लुक्स बोल रहा हूँ सॉरी, लुक जो होता है ना इनका, कि ये दीवारों का, तो ये जो है ना मुझे कुछ ऐसा करके बनाना पड़ेगा ताकि ये अच्छा लगे, ये तो अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले जो है ना ये हट। तो गाइस फाइनली हमारा कासल तो बन चुका है, और अभी आप लोग को मैं पूरा लुक दिखाऊँगा। सबसे पहले गाइस मुझे बस जो है ना उसका थ्रोन बनाना है अपने लिए, जो के लिए मैं जिसके लिए कॉपर और वो लाया था ना, गोल्ड वगैरह। ये देखे गोल्ड के ब्लॉक 2 यहाँ पड़े हुए और 35 यहाँ पड़े हुए।
वो तकरीबन गोल्ड के ब्लॉक का होगा, थोड़ा बहुत आयरन के ब्लॉक का होगा, सही है ना। पहले तो यहाँ पे कोई स्पाइडर आ रही है, मुझे उसकी आवाज़ आ रही है, पहले मैं उसको मार देता हूँ। कहाँ गई स्पाइडर, उसको ज़रा लावा खिलाऊँ मैं। अबे अबे, चलो गाइस उसको हमने लावा तो खिला दिया। और गाइस वो देखो वहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है मेरा घर, और मेरा घर नहीं सॉरी मेरा कासल। और इसको मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, ये स्केलेटन पीछे लगेंगे, इन लोगों को छोड़ो। और गाइस ये देखो ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये लावा और ये गिलास तो जो ना मुझे लेने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन मिल गया फाइनली। और स्टोन ब्रिक्स इतने ज़्यादा यूज़ नहीं हुए जितने ज़्यादा मैंने ले लिए थे, मैंने 5 रातें लगा दी थी इसको लेने के लिए। और गाइस ये देखो ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। 1 मिनट, यहाँ पे जो ना स्केलेटन है इसको मारना पड़ेगा। 1 मिनट, आज मैं सोया नहीं ना तो ये लोग स्पॉन हो रहे हैं। ये मर गया, सही है। और एक ये जोम्बी भी आ गया, और ये जोम्बी गाइस शायद मैंने पहली दफ़ा देखा है, वरना हस्क होते हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी मैं चल के जो ना सोता हूँ। तो गाइस इसी के साथ मेरा 37th डे भी शुरू हो चुका है और 36th डे ख़त्म हो चुके हैं हमारे। और गाइस वो कितना प्यारा लग रहा है, रात में बहुत प्यारा लगता है, दिन में तो फिर भी मतलब जो है ना लाइटिंग वगैरह नहीं दिखती इसके अंदर की। तो गाइस जो मैंने ब्लॉक बनाया ना, और मुझे थोड़ा सा आयरन भी स्मेल्ट करना पड़ेगा, नहीं आयरन स्मेल्ट हुआ हुआ है, तो मैं इसके भी जो है ना ब्लॉक बना लेता हूँ। पता नहीं कितने चाहिए, मैं बना लेता हूँ। वैसे भी अगर बच गए तो आयरन इसमें से निकल ही आएगा वापसी। और 1 मिनट, इसको जो है ना मैं वापसी हाथ में लेता हूँ अपने। और गाइस ज़रा मैं हम लोग वहाँ पे चलते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और गाइस बस हम लोग अपना फाइनली थ्रोन बनाने जा रहे हैं। और गाइस मैं सोच रहा हूँ ये जो ना, 1 मिनट यहाँ पे नहीं लगाना सॉरी, यहाँ से जो ना 1 ब्लॉक आगे बनेगा इससे, सही है। तो ये मैं 5 ब्लॉक ले लेता हूँ, और 1 2 3, सही है। और उसके बाद यहाँ से जो है मुझे ये कुछ कोई और से ब्लॉक लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 1, सही है। और यहाँ पे गाइस अब ये 2 ब्लॉक बचे हैं, और यहाँ पे ये लगा दिए गाइस मैंने। और मुझे कॉपर के रॉ ब्लॉक नहीं सॉरी कॉपर ब्लॉक भी चाहिए, तो मैं वो बना के लेके आता। तो गाइस मैंने जो है कुछ चेंजेस कर दिए थोड़े से थ्रोन में, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सबसे पहले। तो गाइस वहाँ पे मुझे जो है ना रेड स्टोन के ब्लॉक्स भी अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने रेड स्टोन के ब्लॉक भी लगा दिए हैं। और एक एक जो है ना यहाँ पे एक गोल्ड का ब्लॉक भी लगा देते हैं। और यहाँ पे टॉर्च बची है, हाँ मेरे पास 16 टॉर्च बची हैं, एक यहाँ लगा देते हैं और एक यहाँ और एक इसके यहाँ पे। 1 मिनट, ऐसे नहीं लगानी है मुझे ये। 1 मिनट, मैं वाटर बकेट डाल के चढ़ जाता हूँ, और इसको तोड़ते हैं हम लोग सबसे पहले। और यहाँ पे ये पूरे थ्रोन पे लगा देते हैं गाइस टॉर्चेस। 1 मिनट यानी लगेगी वाटर की वजह से, और 1 मिनट बस, 1 2। तो गाइस और मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया था, तो ये टॉर्चेस मुझे वापसी लगानी पड़ेंगी। लैंटन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि उसके लिए आयरन यूज़ होना था, तो मेरे पास आयरन की वैसी कमी है, इतना तो आयरन है नहीं कि मैं डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करूँ। तो गाइस हमारा फाइनली वाला घर तो बन चुका है, और गाइस हमारे 3 गोल में से 1 गोल पूरा हुआ। और अभी हम लोग जो है क्या नाम है अपना दूसरा गोल पूरा करने के लिए चलते हैं, जो कि डायमंड का एन्चेंटेड मैक्स आर्मर है। तो गाइस फिर मैंने सोचा कि मैं विलेजर से ट्रेडिंग करता हूँ, अगर मुझे डायमंड का एन्चेंटेड आर्मर चाहिए। लेकिन जब मैं उनसे ट्रेड करने गया तो मुझे उनको कम से कम 5 से 6 दिन लग गए उनको एक बुक लाने के लिए कि प्रोटेक्शन 4, लेकिन उन्होंने प्रोटेक्शन 4 भी नहीं दी, उसने प्रोटेक्शन 3 दी, वो भी 23 एमराल्ड में। तो गाइस फिर मैंने सोचा मैं 23 एमराल्ड लाऊंगा कहाँ से, तो मैंने थोड़ी सी क्या नाम है एक फार्मर बनाया और वीट से जो है ना उसके साथ थोड़ी ट्रेडिंग करी, लेकिन क्या नाम है इतने इनफ एमराल्ड हो नहीं पाए क्योंकि हमारे पास इतना सारा वीट था नहीं। तो गाइस फिर हमारे पास दिन भी सिर्फ 4 दिन बचे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक एन्चेंटमेंट टेबल बना लूँ जिससे मुझे कम से कम एन्चेंटेड आर्मर तो मिल जाएगा। तो गाइस उसके लिए बस मैंने जो शुगर केन लाया था वो मैंने तोड़ा और पेपर बनाया और उसकी बुक बनाई, और एन्चेंटमेंट टेबल के आसपास बुक शेल्फ लगाने के लिए भी मुझे 1 दिन लग गया। तो सिर्फ हमारे पास अब 3 दिन बचे थे, तो मैंने जल्द से जल्द अपना पूरा डायमंड का आर्मर एनशेंट करा और फिर गाइस आज। तो गाइस फिर मेरे पास दिन तो सिर्फ 2 ही बचे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या नाम है मुझे एंडरपल भी चाहिए, तो मैं एंडरमैन मारने तो बैठूंगा नहीं। तो गाइस फिर मैंने एंडरमैन मारे नहीं, लेकिन मैं नेदर गया और मैंने वहाँ से जो ना 1 स्टैक गोल्ड जमा करा और मैंने ट्रेडिंग कर ली उससे। तो मुझे उससे जो है क्या नाम है 2 स्टैक मेरे ख्याल से एरो मिल गए, और क्या नाम है 2 स्टैक तकरीबन जो है ना मुझे एंडरपल मिल गई। तो गाइस अभी क्या नाम है मैंने जो है सारी अपनी इन्वेंटरी सेट कर ली है, और मैं इस ब्लेस का जो है ना ब्लेस पाउडर बना लेता हूँ, और यहाँ पे जितनी एंडर पर्ल हो सकती है ना आई ऑफ एंडर वो बना लेता हूँ मैं।
और हम लोग अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड चेक करते हैं वो किस साइड पे, हम लोग एक थ्रो करके जो है ना चेक करते हैं सबसे पहले किस साइड गया है। तो गाइस हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड उस साइड पे है, तो हमें उस साइड पे निकलना। और पहली आई हमारी नई टूटी, और अब मैं ये सबसे पहले कलेक्ट करता हूँ। और गाइस मैंने अपनी पूरी इन्वेंटरी उस हिसाब से सेट तो कर ली है, और मुझे थोड़े से ब्लॉक्स चाहिए तो मैं वो लेके यहाँ से चलता हूँ। तो गाइस अभी क्या नाम है, मुझे सामने एक विलेज दिखा है, और मेरे 48 डेज हो चुके हैं गाइस यहाँ पे, और बस मुझे जो है ना यहाँ पे 48 डेज तो हो चुके हैं, और मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड जाऊँगा और वहाँ पे करूँगा तो 50 डेज तो पूरे हो ही जाएंगे। और गाइस अब मैं लास्ट टाइम जो ना थ्रो करके देखता हूँ किधर जा रहा है हमारा। और गाइस ये पीछे जा रहा है, एक मिनट, और ये अच्छा ये तो मिल गई, चलो वापसी। और गाइस ये पीछे जा रहा है, और मैंने यहाँ पे करा तो आगे जा रहा था, एक मिनट मैं यहाँ पे करता हूँ, एक मिनट यहाँ पे, हाँ ये देखो गाइस। और गाइस मतलब इसका मतलब विलेज के पास ही हमारा वो जो है एंड पोर्टल। तो गाइस मैं अब नीचे डिग करता हूँ, और होपफुली हम लोग जो है अपने क्या नाम है वहाँ पे पहुँच जाएँ स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो गाइस फाइनली मैं क्या नाम है स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुँच चुका हूँ, क्योंकि मुझे चिजल्ड ब्लॉक दिख चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखो हमारी एडवांसमेंट भी आ चुकी है। तो गाइस अब मुझे यहाँ पे जो है ना सबसे पहले यहाँ पे एक पोर्टल ढूंढना है अपना, क्या नाम है मेरे पास टॉर्च भी नहीं है कोई, तो मुझे यहाँ से ही तोड़नी पड़ेगी। पहले इसको मारते हैं हम लोग, एक मिनट, ये तो गाइस से भी मर गया हमारे से, और मुझे थोड़े से बहुत एरो भी मिल गए। तो मैं यहाँ पे से जो है ना यार ये टॉर्च तोड़ लेता हूँ, क्योंकि मैं टॉर्च लाना भूल गया। नहीं नहीं मैं लाया था, सही है, 4-5 टॉर्च ले आया था मैं बस। और अब गाइस मैं ऊपर चलता हूँ सबसे पहले, यहाँ पे भी गाइस बंद है तो मुझे कहीं और से आगे जाना पड़ेगा। और ये नीचे एक दरवाज़ा है, यहाँ से चलते हैं हम लोग, वहाँ पे मुझे एक स्पाइडर दिख रही है, एक मिनट गाइस पहले इसको मार दें हम। और गाइस मैंने इसको तो मार दिया, इसको ही मारना पड़ेगा हमें। और गाइस मुझे यहाँ पे कहीं दिख तो नहीं रहा, तो गाइस मैं ढूंढ के मिलता हूँ आप लोग। तो गाइस अभी क्या नाम है फाइनली मुझे जो है ना यहाँ पे मिल चुका है, और मैं जो है ना इन लोगों ने बहुत मारा है ये सिल्वर फिश ने, तो सबसे पहले मैं ये तोड़ देता हूँ। और गाइस यहाँ पे कितनी आइस लगी हुई है, यहाँ पे पता नहीं कितनी लगी हुई है, ये क्या हो गया, लैग क्यों हो रहा है गाइस इतना हमारा पता नहीं। और ये गाइस हमारा बस एंड पोर्टल वो शुरू होने वाला है, और गाइस हमारा एंड पोर्टल जो है शुरू हो चुका है। और गाइस अब हम लोग इससे आगे चलते हैं, हम लोग सबसे पहले इसके अंदर चलते हैं, लेकिन मैं अपनी HP फुल कर लेता हूँ। और यहाँ पे फालतू की जितनी भी चीज़ें हैं मेरे पास, फालतू की कोई भी चीज़ नहीं है, और कुछ ब्लॉक्स जो है ना अपने हाथ में रख लेता हूँ, मैंने लैपिस अपने घर पर ही छोड़ा, चलो कोई बात नहीं। और गाइस अब हम लोग जो है ना सबसे पहले एंड में चलते हैं अपने, और यहाँ पे से तो गाइस फाइनली हम लोग एंड में पहुँच चुके हैं, और ये रेंडर क्यों नहीं हो रहा। और गाइस हम लोग फाइनली अपने एंड में आ चुके हैं, और ये पोर्टल भी हमारा सेफ है थोड़ा। यहाँ से जो है बस मैं थोड़ा सा जो है ना ये कर लेता हूँ यहाँ से ऐसे करके। और गाइस अभी हम लोग सबसे पहले चलते हैं ऊपर, और हम लोग अपनी एंडर ड्रैगन को देखते हैं सबसे पहले जो है ना, क्योंकि हमें ऐसी कोई मारना है। और गाइस मुझे नीचे नज़रें जो है ना नीचे करके चलनी पड़ेंगी, वरना एंडरमैन हमें मार। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पे ऊपर तो चढ़ चुका हूँ, और एक टावर मैंने तोड़ दिया है छोटा वाला, यहाँ पे ये भी गया। और गाइस वो वाला तोड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, एक मिनट इसने जो है ना यहाँ पे वो फेंक दिया है, चलो हम बच गए उससे, डॉच कर दिया मैंने। एक ये रहा गाइस यहाँ पे भी टावर, एक इसको भी हम लोग तोड़ते हैं सबसे पहले। और गाइस ये भी टूट गया हमारा टावर, और एंडर ड्रैगनी को भी एक दो बजा देते हैं हम लोग, एक मिनट, एक मिनट गाइस में कितनी कम हेल्थ बची है गाइस, ये हमें उड़ाना दे गाइस, इसने वापसी कुछ फेंका है, मुझे थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा। और गाइस मैं खाना खा लेता हूँ सबसे पहले, यहाँ पे जितना खाना हो सकता है मैं खा लेता हूँ। और यहाँ पे गाइस मैं टावर तोड़ के मिलता हूँ सारे, गाइस ये वापसी नीचे आ गई है, और मुझे एक मिनट इसने उठा के फेंक दिया मुझे। तो गाइस मुझे जल्दी, तो गाइस मैं अंदर तो आ चुका हूँ, अब मुझे इसको मारने से पहले, और बस इसकी थोड़ी सी हेल्थ रह गई है, एक मिनट, 1 2 3 4। तो गाइस फाइनली मैंने एंडर ड्रैगन ही को मार दिया, और गाइस मैंने अपने पूरे 50 डेज सर्वाइव कर लिया, और अपने तीनों गोल भी पूरे कर लिए। और गाइस अब मैं सबसे पहले सारी XP उठा लेता हूँ यहाँ पे, जितनी भी XP है। और गाइस यहाँ पे हम लोग अपना ये वाला एग भी उठा लेते हैं, ये वाला एग भी उठा लेते हैं, ये कहाँ से यहाँ पे आ गया ना गाइस। अब इसके नीचे वाले ब्लॉक पे मैं टॉर्च रख के जो ना यहाँ पे से ये टॉर्च रख के इसको मैं उठा लेता हूँ गाइस सबसे पहले यहाँ पे, ये
और ये भी गाइस हमने उठा लिया। और गाइस बस हम लोग की वीडियो ख़त्म हुई। तो गाइस अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो बाय बाय।